मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए खास डिश, वो है पंजीरी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लगता है। तो इसमें पड़ते हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट। जैसे जैसे मैं इसे भूनती जाऊंगी, मैं आपको बताती जाऊंगी इसका प्रमाण। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे भूनते हैं और कैसे ये तैयार करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाला है और धीमी आंच रखी है। इसमें हम डालेंगे 1 गोंद, लगभग 100 ग्राम से कम है। तो इसे आप धीमी आंच पे ही भूनिए, क्योंकि ये कड़ा ना रह जाए, नहीं तो ये दांत के नीचे आके बहुत दर्द हो जाएगा। तो इसीलिए इसे धीमी आंच पे ऐसे भूनिए, तो ये फूल जाएंगे। उसी कढ़ाई में आप डालिए और थोड़ा सा घी, लगभग 2 छोटे चम्मच। अब इसमें मैं डालूंगी एक थोड़े से अखरोट, आधा कप अखरोट है ये, आधा कप काजू, आधा कप बादाम, सभी को भून लेना है। इसकी भुनाई आप धीमी आंच पे अच्छे से कीजिए। अब इसमें मैं डालूंगी ये थोड़े से पिस्ते, प्लेन पिस्ते हैं, सॉल्टेड नहीं है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं ड्राई खजूर 1 कटोरी। ये भून गया है तो इसे हम निकाल देते हैं। लगभग 1 कटोरी इसमें घी का इस्तेमाल होगा। तो फिर मैंने 1/2 चम्मच घी डाला है और इसमें मैं डालूंगी ये नारियल का बुरादा। इसी के साथ डालूंगी मैं इसमें खरबूज के बीज, ये तरबूज के बीज, पम्पकिन सीड्स, ये देखिए पम्पकिन सीड्स, इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी ये मुनक्का 1/2 कटोरी। अब इसमें डालूंगी मैं आलू, इसे आप थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये बहुत गर्म रहते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी ये सौंफ, लगभग 3 चम्मच होगी छोटी, और इसे मिक्स करके हमें निकाल देना है। अब मैं डालूंगी और 1 चम्मच घी छोटा, और उसमें डालूंगी मैं सूजी, लगभग 1 कप है। इसे भी हम भून लेंगे घी में। इसी के साथ इसमें डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा, और धीमी आंच पे इन दोनों को हमें भून लेना है। लगभग 5 से 7 मिनट तक मैंने सूजी और आटे को धीमी आंच पे भून दिया है। अब इसे निकाल दिया है। अब कढ़ाई में मैं और 1 चम्मच घी डालूंगी। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाला है और इसमें मैं डालूंगी ये मखाने 1 कप। लगभग सारी चीजें हमें कुछ ना कुछ फायदा देती है, तो आप सब चीजें डाल के ये पंजीरी जरूर बनाइए, बहुत ही फायदेमंद रहेगी ये ठंड में। मिक्सी जार लेना है और एक एक चीजें उसमें डाल के हमें पीस लेनी है। तो पहले मैं ड्राई फ्रूट सब डाल के पीस लेती हूँ, और सबसे जरूरी चीज ये सॉल्ट पाउडर 1 चम्मच आटे में मैंने पहले से डाल दी। अब सब पीसा हुआ चीज जो एक एक में पीसूंगी इसमें मिक्स करती जाऊंगी। तो ये ड्राई फ्रूट मैंने पीस दिए, इसमें डाल दिए। कढ़ाई में मैंने फिर 1 चम्मच घी डाला है और इसमें मैं 1 कटोरी गुड़ डालूंगी, क्योंकि सर्दियों में गुड़ फायदेमंद रहता है। आप चाहे तो शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर शुगर के पेशेंट हो तो उनको गुड़ अच्छा रहता है, तो इसीलिए मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। और फिर इसमें 2 से 3 चम्मच हम पानी डालेंगे। इस तरह से हमारा गुड़ का पाक बन के तैयार है। तो ये जो चीज़ें हमने पीस ली थी पहले मिक्स कर लीजिए आप सब, और फिर इसके बाद इसमें डाल दीजिए। देखिए कैसे ये ड्राई हो गई बिल्कुल। तो अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे ये इलायची पाउडर और इसे मिक्स कर देंगे, और ये हमारी पंजीरी बिल्कुल बनके तैयार है। तो बनके तैयार है स्वाद से भरी पंजीरी।
आप भी इसे जरूर बनाइए, ठंड में बहुत फायदेमंद करेगी ये। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे बनाइए, खाइए। और हाँ, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।